अपने अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं आप वोट मारने की जरा बर्थ शो कराते हैं, सबसे पहले राजू को शो कराते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको बांधा है, घास डाल है, आराम से खा रहा है, तो वरना ये खाता नहीं, आके टकरे मारता है तो नीचे जाने की करता है, इसलिए इसको बांध दिया। डॉक्स भी यहाँ पर मौजें कर रही हैं, देख सकते हैं डॉक्स को भी यहाँ पानी डाला है तो पानी में खेल रही थी, ये देखें सारा पानी गंदा करके चली गई है, तो इनको खेलने देते हैं, तो वजह से यहाँ पे सही भेज रहे हैं माशाल्लाह। और भी लेके आएंगे, अभी वक्त नहीं मिलता तो इंशाल्लाह त्यौहार वाले दिन लेके आएंगे। तो ये देखे पानी भी गंदा हुआ है, ये भी डालते हैं। और क्रोक मुर्गी काफ़ी दिन हो गया आपको नहीं दिखाई, वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखे मुर्गा अब कह रहे होंगे वहाँ से कहाँ गए, तो ये देखें यहाँ पर खुला हुआ है, जिसको सुबह कहीं हमने खोल दिया था, ये मस्त मोर खुद ब खुद ही फेर रहे, तो फेरने देते हैं। तो इसके इसके नीचे दो अंडे पड़े हुए हैं जो ना फॉल्स के, तो इंशाल्लाह वो भी निकल आएंगे, अभी अब तो पड़े हैं तो वो भी निकल आएंगे, तो आर सो आर को वो भी निकल आएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे अगर निकले तो। तो मुर्गी को दरवाज़ा बंद कर देता ताकि बह ना आए, वहाँ से घूमती फिरते ना फिर यहाँ पर आ गई हैं, तो और ये देख वहाँ से मेरी तरफ ही देखी जा रहा है, इसको पहने देते हैं। ये देखें मुर्गियाँ यहाँ फेर रही हैं, अभी ना फॉल्स फेर रही हैं, और काली मुर्गी वहाँ पर कुड़क बैठी हुई है, ये यहाँ कुड़क बैठी होती है हर टाइम, और देसी मुर्गा ऊपर फेर रहा है। बाकी यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरा इंतज़ार, पता नहीं इसको मसला क्या है, यहाँ पे घास नहीं खाएगा, सारा नीचे गिरा देगा और खाएगा कुछ नहीं, नीचे जाने के लिए रोटी के लिए मरता है। दोबारा खुला हुआ है ना, तो परेशान खड़ा हुआ, इसको बांध दिया है मैंने, ये परेशान खड़ा हुआ, इसको खड़ा नहीं देते हैं। बाकी यहाँ फेर रही है आराम से, और छोटू छोटू जो है तीन छोटे जो चीज हैं तो उनको मैं यहाँ भी खोल दिया था, ये परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, इन तीनों को पकड़ते हैं यहाँ से और नीचे खोल देते हैं, नीचे आराम से फेरेंगे। माशाल्लाह ग्रोथ भी सही हो रही है इनकी भी, सही है, अल्लाह करे बड़े हो जाए ना तीनों, फिर आपका शौक पूरा, आपको हमारा शौक पूरा कराएंगे। पता नहीं सीन है या देसी हैं जो भी हैं, तो यहाँ फेरने देते हैं, मेरे पीछे ही ना आ जाए, पीछे पीछे आते हैं। बाकी चलते हैं मास्टर केज में और आपको मछलियाँ और वो दिखाते हैं दूसरे बार। बाकी ये देखते हैं माशाल्लाह सारे अंदर दाना पानी के इंतजार कर रहे हैं, पानी तो मैंने डाल दिया था तो दाना रहता है, अंदर चलते हैं इनको भी थोड़ी देर तक डालते हैं, फिर इनके लिए भी दाना लेके आता हूँ और इनको भी डालता हूँ। देखिए माशाल्लाह आराम से फेरे हैं, अभी तक किसी ने ब्रीड व्रूड नहीं की, तो ये हमने ये काली यहाँ बनाया हुआ था तो वो ठाक वहाँ भी रखने लगे हैं, तो ये टूट गया, इसको भी रिपेयर कर लेंगे करना होगा, तो पहले हमसे गलती हुई है, यहाँ पे हमने रखा हुआ था तो वहाँ पे रखना था, वहीं पे ठीक करना था, हमने ठीक नहीं किया था, ये टूट गया ऊपर से सारा, तो बटेर यहाँ रिपेयर पड़े हैं, इनको भी दाना डालते हैं। यहाँ पे बैठे हुए सारे, तो टाइम नहीं मिलता, इनको भी दिवा करा देंगे क्योंकि खुद खाते तो है नहीं, तो ये ऊपर बैठ नहीं है, ये पेयर जो है ऊपर बैठे रहते हैं। बाकी यहाँ पे सारे बैठे हुए, वाइट वाले यहाँ बैठे हुए, मछलियों की बात है, यहाँ पे साफ कर रहा था तो इन चारों को ना मैंने पकड़ के ना यहाँ बंद कर दिया। ये देखें माशाल्लाह इसके अंदर खड़ी हुई हैं, ये कुछ छाँव पे रख देते हैं, पानी गर्म ही ना हो जाए, यहाँ पे पड़ी रहे, तो इनकी जगह साफ करता हूँ सही तरह, ये देख कितना गंद था अंदर। तो
थोड़ा सा रह गया, तो देखते हैं। डाल दिए, थोड़ा और डाल दिए, सारे डाल दिए, ये आराम से खा लेंगे आप। ये खा रहे हैं, वो भी खाने लग गए हैं, सारे सारे ही खाने लग गए। देखें सारे आराम से खा लेंगे। बाकी यहाँ फेर रहे हैं छोटू, ये तीनों यहाँ फेर रहे हैं माशाल्लाह, तीनों माशाल्लाह ग्रोथ पार तो निकले हैं, अल्लाह करे सही तरह बड़े हो जाए, वरना इनके पार जल्दी निकल आते हैं और ये खुद बड़े नहीं होते तो फिर मर जाते हैं, तो अल्लाह करे ये बड़े हो जाए तीनों। ये देख सकते हैं आराम से मैंने वहाँ जाकर पानी डाल लिया सब के लिए, तो ये पानी आप रखते हैं बकरे के आगे, पहले बकरे ने पीना होगा तो वो पिएगा और फिर सारों को देंगे। इसको और घास भी डालते हैं, ये पेड़ पूजा कर ले अपने, पानी पी ले तो फिर उसके लिए घास ले आते हैं वहाँ से, वहाँ पर मैंने इसके लिए घास रख दिया था। ये दूसरा घास खाता नहीं है तो इसका हम ना ये वाला घास देते हैं, यही खाता है तो ये शौक से खाता है, वही हम देते हैं, वरना ये भूखा रहता है पूरा दिन। अगर इसका दूसरा घास तो खाता नहीं है तो फिर भूखा बैठा रहता है, यहाँ पर डालते हैं, अभी आएगा खाने लग जाएगा आराम से, ये अब इसका पेट पूजा हो जाएगा, खा लेगा आराम से, अब खाने लग गए। तो ये पानी अब ना मुर्गियों का भी को डाल देते हैं थोड़ा सा, उनका भी ख़त्म हुआ हुआ है, मैं डालता हूँ सबको और फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह सबका पानी छानी हो गया, ये देखिए इनको भी पानी साफ करके डाल दिए, और डक्स मेरे पीछे पीछे, और कबूतरों का भी ना ये पानी साफ किया और डाल दिया, बाकी आप इनकी मर्जी ये पिए या ना पिए। दरवाज़ा मैंने खोलना है, इन सब ने बाहर आ जाने तो फिर इनका पता नहीं है उड़ के ऊपर बैठेंगे तो कहीं उड़ ही ना जाए, तो इसलिए अपनी नज़रों के सामने अभी मैंने नीचे जा जाने, तो इनको इनके पास जब बैठते हैं तो अब इनको खोलते हैं, वरना इनका पता नहीं है कहीं भी उड़ के जा सकते हैं। ये छोटू ये देखें आराम से भाग रहे हैं, भोग रहे कितने रहते आराम से, इनकी मर्जी, अब ये जहाँ मर्जी जाए। तो यहाँ मैंने वो फट्टा उठा के ना यहाँ पे रख देता हूँ अभी, ताकि ये कमरे में रहेंगी तो डक्स नहीं मार सकेंगी, वरना मैंने ऐसे खोलना है तो ये डक्स ना इनको क्या पता मार दें, ओ डर लगता है डक्स ही ना मार दें, डक्स की इतनी बड़ी बड़ी चूँज है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर भी कर देना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो बाकी आज का व्लॉग था वो यहीं तक था, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अभी देते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।